बिजली विभाग के स्टोर रूम में भयंकर आग लगने का मामला सामने आया, जहां आग से मीटर वाहन उपकरण जलकर खाक हो गए। वहीं आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग को काबू करने की कोशिश में जुटी रही। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिजली विभाग ने आग ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के औरैया का है, जहां तिलक नगर में बिजली विभाग के स्टोर रूम में अचानक से आग लग गई, जहां आग की भयंकर लपेट उठती देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। सड़क से निकल रहे लोगों ने जब आग की लपेट देखी तो वे घबरा गए। वहीं बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर द्वारा फायर ब्रिगेड को तत्काल घटना से अवगत कराया गया, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद काफ़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। आग का विकराल रूप आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह आग अपना विकराल रूप ले लिया हुए है। वहीं बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर सुभाष ने बताया कि आग का कारण अभी पता नहीं चल सका किस कारण स्टोर रूम में आग लगी। जिस स्टोर रूम में आग लगी वहां पर पुराने मीटर हैं, कुछ कागजात रखे हुए हैं। आग से कितना नुकसान हुआ है इसकी अभी जानकारी नहीं है। मैं द्वारा प्राप्त हुआ कि यहां पे आग लगी है, तो तुरंत हमने फायर ब्रिगेड फोन किया और फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पहुंचकर और हमने सप्लाई भी बंद करा दिया 33 का, जिससे आग को बुझाया गया। अब ये इसके कारणों का पता नहीं चल रहा कैसे लगी और क्या क्या नुकसान हुआ अभी नहीं देखा। आप किस चीज़ों में लगी, क्या था आग लगने में? पुराने मीटर रखे क्या क्या जले थे? पुराने मीटर रखे गए थे, स्क्रब मीटर जो था, पुराने उतारे हुए मीटर थे, उसी मीटर में लगी है और अभी पूर्णतः देखा नहीं गया क्या क्या जली गई है। लेकिन ये एक मीटर और एक जनरेटर रखा था, एक मीटर रखा, ये तो अभी दूर से ही देखने पता चल रहा है कि नुकसान हुआ। क्या जो मीटर रखे थे इसके पीछे कोई कारण है जो मीटर जलाने का? नहीं नहीं, आपका ही इसमें हाथ हो जो जला के सारी संपत्ति को देखो नहीं, और पब्लिक के बीच में इसको गोल मोल कर दिया गया हो मीटर को लेके? ऐसा कुछ नहीं हो, स्क्रैप था, कबाड़ा था। वो नुकसान कितने का होगा? कितना नुकसान होगा? नुकसान का जायजा अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र है, मैं यहाँ पर और अभियंता हूँ और जो है अभी मैं यहाँ ही रहता हूँ। जब सूचना मिला तो मैं तुरंत पहुँच पा रहा। ठीक सर, ओके।